योगी जी अच्छे आदमी है, हमारे लिए तो बढ़िया काम कर रहा। परमात्मा तो देवता आदमी है जी। योगी बाबा की जय हो। योगी बाबा की जय। योगी बाबा की जय। मोदी जी अच्छे हैं। मुसलमान भाई हैं आपको, मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर योगी जी पर बड़ा आरोप लगा। जी देखो जी, योगी जी देखो बढ़िया आदमी है, अच्छा काम भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं जी। हाँ योगी सरकार भी है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं मैम। योगी जी के वक्त है, ये मत बोलो कि हिंदू मुसलमान क्या कर रहा, देश के लिए क्या करता है, ये चीज होनी चाहिए। मैंने तो मोदी जी होने चाहिए, मैंने तो मोदी जी ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो गई है प्रधानमंत्री पद को लेकर, और उत्सुकता कहीं ना कहीं बढ़ गई है कि इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इसी को जानने के लिए हम इंडिया गेट पहुंच गए हैं लोगों के बीच माहौल जानने के लिए कि वो इस बार प्रधानमंत्री पद पर किसे देखना चाहते हैं। तो चलिए जनता से बात कर जानने की कोशिश करते हैं। योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं डर मुक्त नहीं हुआ है, वो तो खुद गुंडे हैं। योगी जी अच्छे आदमी है, हमारे लिए तो बढ़िया काम कर रहा। अच्छा आदमी क्या कह रहे हैं कि अगर इतनी प्रशासन टाइट होती तो पुलिस वाले के सामने कैसे गोली मार। भाई हमें रोड से मतलब था, हम रोड पे चलते हैं ना तो मजा आता है बड़ा। मजा आता है, क्या मजा आता है, कितना निकालते? मतलब ये है कि गाड़ी 100 से 120 भागती है, कंडम गाड़ी भी 120 भागती है, बस यही मजा आ रहा है। ही मजा आ रहा है और कुछ विकास नहीं हुआ। रोड से हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, नागरिक नहीं है वहाँ के? नागरिक हूँ लेकिन मुझे रोड से मतलब था, मैंने देख लिया। चलिए इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, आप हैं, आपको पता है लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, कौन किसे देखना चाहते हैं इस बार प्रधानमंत्री? योगी सरकार को। हाँ जी, हमारे देश के आने वाले प्रधानमंत्री के नए मूल्य भी ये भी होने चाहिए, और जो हमारे हम यूपी से हैं तो ये विलोम करता है, बहुत अच्छे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। रोड का लो, किसी डायरेक्ट का ले काम का ले, या गुंडों का लो, या कोई अपने काम काज के लिए, बहुत अच्छा विकास है हमारे लिए, बहुत है। हाँ अच्छा, यूपी में निकाय चुनाव चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल हमारा ऐसी, यानी कि सब उसकी बीजेपी की ज़्यादा वोटिंग आ रही है। हाँ जी, लग रहा है जिस तरीके से अभी लोग कह रहे थे कि अतीक मामला, जो अतीक हत्याकांड था, उसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़े। ये तो हमारे, हम गुजर समाज से जुड़ते हैं, हमारा भी एक भाई मारा गया है, पर वो गलत के लिए गलत है, सही के लिए सही है। योगी सरकार जो भी करी अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, खात्मा कर रही है, अच्छा कर रही है। गलत के लिए वो, उन्होंने अपना चुनिंदा अपने आदमी लगा रखे हैं, जो गलत है वो गलत है, अच्छे के लिए तो कोई नहीं, कोई दिक्कत है, अपने जियो और जीने दो। योगी जी तो लोग जोड़ते हैं 2029 की बात करते हैं, तो परमात्मा तो देवता आदमी है जी, देवता आदमी है। हाँ जी, तो गुंडे की उपाधि से लोग ये सब झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये मैम ये सब कुछ है, यानी कि जो कुछ अच्छा करने के लिए ना। हाँ। तो कुछ करना पड़ा है, कुछ अच्छा किया, थोड़ा गिनवाई तो गिनवाई के लिए, तो आप एक बात बता लो, कुछ ही के लिए एक बात बताओ, आप पहले यूपी से डरते थे, दिल्ली वाले कोई राज्य से डरते थे हर लोगों, तो आज दिल्ली से यानी कि यूपी से सब विलोम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। रोड से ले लो, यूपी रहे, गंगा जी लिए, कोई भी नहीं, गंगा रोड पे ले लो, तो हर चीज़ के लिए। तो हमें तो एक बात बता कि आम आदमी है जी, तो हमें तो अपना जो है ना, जो अपना सरकार है वो अच्छी अपनी उसकी लगी होगी, सरकार अच्छी है, यही बनी रहे, बहुत अच्छी है जी। कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा एक मुख्यमंत्री को, शोभा मिट्टी के, मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी का काम करेगा। हाँ जी, हाँ वो गलत हो। हाँ जी, मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी का काम करेगा, तो ये जो सही है तो सही के लिए सही, कुछ नहीं है तो गलत, तो के लिए तो मिट्टी मिलेगी, तो ये तो सबकी बात। लोग आरोप लगा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उनको तो आरोप, तो आरोप तो गलत तो लगाएंगे, तो सही के लिए तो हम भी बैठे हैं ना, तो कुछ ऐसा नहीं, महाराज जी हैं या बाबा हैं हमारे या कोई भी हैं, तो सब कुछ एक तरफा नहीं जी, अगला गलत कह गए कोई बात नहीं, पर हमारे लिए तो अच्छे हैं जी। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, धर्म राजनीति, ये राजनीति, हम हिंदू मुस्लिम, मेरा यार बैठा, मैं हम दिल्ली हैं, हम आप मुस्लिम हैं मोहम्मद के बावजूद आप ये योगी जी, ऐसा थोड़ा ही होता है, मुस्लिम हूँ तो कोई बात नहीं है, हमारा साथ विकास, ऐसा थोड़ा ही नहीं है। कहते हैं कि जिस तरीके से अतीक का मामला उठा था उस पर कह रहे हैं मुस्लिम वर्ग को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा दोस्त है, सब एक है, क्या ये टारगेट है? मुस्लिम मैं भी गुजर हूँ, हमका सबका मारा जा, पर एक बना जो एक वक्त ले रहा है ना, सब एक तरह एक निशाने पे ले रहे हैं मैं। हाँ, जो गलत करेगा उसके लिए गलत है, अच्छा ही है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैम, ये भी तुझे पता, हिंदुस्तान के सबसे बड़ी बात है, पर मैम योगी बाबा से बुझे हैं। क्या कहेंगे अब आप पर आते हैं? योगी बाबा की जय हो। योगी बाबा की जय हो। क्या चीजें, अरे ऐसा क्या आरोप लगाते हैं, विपक्ष कहती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, और किसी को तो जानता नहीं,
मैं तो अपनी जानता हूँ। योगी बाबा की जय हो। योगी बाबा की जय। योगी बाबा की जय। योगी जी तो 2029 की लोग कहते हैं कि मोदी जी जब रिटायर हो जाएंगे तब योगी जी आएंगे। अभी मोदी जी को टक्कर देने के लिए आगे के लिए तो हम भी तुम भी देखते हैं जैसे कुछ होएगा आगे अगले समय के लिए तो हम भी ये देखेंगे तुम भी देखेंगे कि पता हमारा तुम्हारा बदलाव आ जा। मैम आगे के लिए तो 5 साल के बाद में देखते हैं, इतने हमारे बाबा तो बाबा है। ममता बनर्जी कहती है मेरे मुस्लिम भाइयों को, हम तो यूपी में बैठे है ना, मुस्लिम भाइयों को छूना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी दिल्ली एक कर दी, हाँ 30 मिनट के लिए दिल्ली आ सकता है, 30 मिनट जा सकता है, तो लिए हम तो बहुत बड़ी बात है। राहुल कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, अभी कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, वो भी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं और मोदी जी के लिए अपशब्द भी कह रहे हैं। खड़गे जो है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो तो मोदी जी को जहरीला सांप बता रहे हैं। क्या कहें, एक राजनीति पंडा है, पता नहीं कौन किसको कह दे, हम हैं आम आदमी, बस जितनी जो बात जानते हैं ना उतनी बताते हैं। राहुल गांधी अपनी जगह अच्छे हैं और हमारे लिए तो योगी अच्छे हैं। हाँ हाँ भाई अच्छे तो हैं भाई, तुम उनकी पार्टी नहीं आ पा रही है भाई। भाई एक बात, जिसकी सत्ता उसका विकास है, तो योगी जी हमारे बाबा हैं तो हमारे लिए अच्छे लगे। चोटी का जोर तो कांग्रेस भी लगा लगाओ जाओ, कोई बात नहीं, पर क्या करें, पर चल तो नहीं कहीं मैम, चल तो नहीं रही, लगाओ जाओ क्या करें, इस बार चलेगी भारत जोड़ो यात्रा सफल रहेगी। किसकी चलेगी? अजी हाँ, क्या बात कर रहे हो आप, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, मोदी शेरी रहेगा, बच्चा बच्चा ही रहेगा, तो ये राहुल गांधी भी बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई बात नहीं। हाँ मैम, हाँ शेर शेरी है जी, शेर योगी सरकार, हाँ जी हाँ जी, और राहुल गांधी है बच्चे, हाँ जी, उनके तो खून में राजनीति है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। वो पढ़े हैं मैडम, कोई बात नहीं, पर वह एक ऐतिहासिक बात होती है जो उस बात को नहीं पकड़ पाते, पर अभी जो हमारे देश को आगे विकास चल रहा है ना, तो हमारा तो जो सरकार मोदी जी लेके चल रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा हमें सब। खुद कह रहे हैं मोदी जी डर गए हैं राहुल गांधी। नहीं नहीं कोई नहीं डरा, नहीं 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 कोई नहीं, मोदी जी हमारे पूर्व जी यानी कि बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, राहुल गांधी छोटे भाई बड़े हैं, बहुत अच्छा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? कर रहे हैं जी, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी अच्छे हैं, अच्छे हैं कि अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं जी। हाँ योगी सरकार भी है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं मैम। हाँ बहुत अच्छा, आपके बहुत कुछ कहेंगे? नहीं मैडम, योगी जी बहुत अच्छे हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं लेकिन फिर भी योगी जी के भक्त हैं। योगी जी बहुत शिवराज अच्छा काम नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन योगी जी को देख के कर रहे हैं। तो काफी कहते हैं डेवलपमेंट है इंदौर की, बात डेवलपमेंट है, लेकिन जितना डेवलपमेंट यूपी हुआ है योगी जी ने किया है कम समय में, उतना हमारे शिवराज सिंह नहीं करवा पाए। दिल्ली आए हैं घूमने के लिए, दिल्ली का कितना विकास देखें? दिल्ली का भी बढ़िया विकास है मैडम। भारत से हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किसे देश का अगला प्रधानमंत्री? मोदी जी होने चाहिए मैं तो। मोदी जी क्यों, क्या कारण? देखो जी मोदी जी बढ़िया आदमी हैं, अच्छा काम करते हैं, पर जो और जो विकास में बैठे हैं ना वो सही आदमी नहीं है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा तो ये सरकार आपको पता है हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा करती है, लेकिन इसका आरोप तो बीजेपी पर ही लगती है। बीजेपी की कह रहा हूँ मैं, बीजेपी ही करती है सबसे ज्यादा, ये मानते हो ना इस चीज को? तो ये चीज थोड़ा मोदी बीजेपी क्यों करती है, क्योंकि मुसलमान वोटर्स के लिए नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि खजूर, जब रमजान चल रहे थे उस दौरान उन्होंने भी स्कीम निकाली थी, केजरीवाल भी मुस्लिम वोटर्स को घेरने की कोशिश करते हैं, तो फिर बीजेपी पर क्यों? नहीं मैडम, बीजेपी की ये कह रहा हूँ, जो और है ना बंदे, मोदी जी ठीक है, और मोदी जी को अब ये बताओ, उनको आना चाहिए ना सामने के, बहुत मैं आपके यही चैनल देखते हैं कि लोग इतना उल्टा सिल्टा बोलते हैं मुसलमानों के लिए, मैं खुद मुसलमान हूँ एक, मेरा नाम सलीम खान है, तो आदमी को वो होता है कि भाई हम ये भारतीय नहीं है, तो ये चाहिए मुसलमानों के लिए, मुसलमान सब ये सोचो कि भाई देश के लिए क्या करना, ये मत बोलो कि हिंदू मुसलमान क्या कर रहा, देश के लिए क्या करता है, ये चीज़ होनी चाहिए मैंने तो, ठीक है जी। हम तो ये चाहते हैं भाई सब बंदे सुखी अपने प्रेम से रहें, कोई भी हो। तो लगता है कि मोदी जी पर जो आरोप लगते हैं धर्म की राजनीति का, ऐसा मोदी जी के उसके लिए नहीं कहते कि भाई वो गलत हैं, सही है, हम नहीं बोल रहे कि वो गलत हैं, अच्छे बंदे हैं, पर जो कुछ बंदे हैं वो खराब हैं। कितना विकास लग रहा है मोदी जी ने किया? विकास बढ़िया हुआ है, हाँ बहुत अच्छा, हर चीज़ का विकास बढ़िया है जी, हर चीज़ से, रोड से, मतलब हर चीज़। और सबसे बड़ी बात आप केजरीवाल की बोलो, केजरीवाल सबसे बेस्ट आदमी है, बेस्ट आदमी, हाँ सबसे बेस्ट, बेस्ट ही है कि भाई सरकारी स्कूलों को यहाँ के देख लो, दिल्ली के, मैं तो यहाँ का नहीं, मैं तो हरियाणा का हूँ फरीदाबाद का, यहाँ के स्कूलों को देख लो, पानी बिजली के लिए भी, हर चीज़ के लिए बढ़िया है। नीतीश कुमार पर आरोप लगता है कि नीतीश कुमार पलटू चाचा है, जिधर खीर देखते हैं उधर ही फिर जाते हैं, उस पर क्या कहें? उनकी बात मैडम, साबदीन साहब थे तब भी बोले थे, अभी भी बहुत पहले भी बोले थे कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं वो, जब समय आता है तो चाचा का कोई बात ही नहीं है, कभी बीजेपी के थामन
पकड़ लेंगे तो कभी आरजेडी के थामन पकड़ लेंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बल्कि आने वाले पता जनता से भी इसी तरीके से मुकर जाए। जनता 2024 में क्या करेगी वो आने वाले टाइम बताएंगे। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं इनकी बात पर, क्या बिहार के लिए सोच रहा हूँ मैं तो, उसके लिए नहीं, बिहार के, बिहार के नीतीश कुमार भी है ना रास्ते में, वो भी है लोकसभा चुनाव में, वो भी उतरे हैं, लगता है टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे, दे देंगे। एक तरफ तो आप कह रहे हैं मोदी जी, दूसरी देखो सुनो जी, मैंने अभी आपसे जब भी बताया था कि मोदी जी जो हैं जेन्युइन बंदे हैं, बढ़िया अच्छे, ठीक है मैं नहीं कह रहा वो अच्छे बंदे, पर जो और है ना वो बढ़िया बंदे नहीं है, ठीक है जी। हाँ जो से भाई ठीक है, लोग बाग बहुत उल्टा सुलटा बोलते हैं, ठीक है नेता ही। अब एक बार बताओ ये धरना होया पड़ा है जंतर मंतर पे, उसका आपने हाँ पहलवानों को आपने देखा भी हो, कुछ हुआ उसका? कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एफआईआर तो हो गई। चलो एफआईआर होगी, उसका कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना अभी तक, पकड़ा गया कोई अरेस्ट हुआ कुछ हुआ? हो गई, अब जांच पड़ताल होगी, सबूतों के आधार पर आपको करेगा, या अगर मैं आप पर आरोप लगा दूं तो आपको पुलिस पकड़ के लिए? नहीं ये चीज मैं आपसे बोलता हूं भाई, ये चलो आरोप जब तक वो जब तक साबित नहीं होंगे जब तक नहीं होगा कुछ, पर एक बात ये तो है कि भाई उसका कुछ तो वो होना चाहिए भाई, जो बंदे बैठे हैं ठीक है, एक से एक आदमी आके बैठा है वहाँ पे, पहलवान बैठे हैं, उनका भी तो कुछ होना चाहिए, सोल्यूशन तो करना चाहिए भाई। ये चीज़ हम आपको ये तसल्ली दे रहे हैं ये हो जाएगा, ये चीज़ तो होनी चाहिए ना, तो इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ जी मैं आपसे, पहलवानों के लिए। तो भाई हम भी पहलवान ही है, ये ना कि हम भी कोई ऐसे भी पहलवान ही है हम भी, पर जो है कि भाई अच्छा योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी बढ़िया आदमी है, योगी जी, योगी क्योंकि आप मुसलमान भाई हैं, आपको मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर योगी जी पर बड़ा आरोप लगा। देखो जी योगी जी देखो बढ़िया आदमी है। तो देखिए इस वक्त जो है हम इंडिया गेट में मौजूद थे, जहां पर कुछ लोगों को आपने सुना कि किस तरीके से वो मोदी जी और योगी जी को ही 2024 में या देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन ये अगला देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो 2024 में ही पता होगा। आप तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ, कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।